Numerical 3. Determine the area of rectangular sheet with length L plus minus delta L is equal to 1.5 plus minus 0 0.02 meter. यानी कि विद अनसर्टेनिटी दी गई है एंड वेथ कितनी है पॉइंट टू प्लस माइनस पॉइंट जीरो वन मीटर इसमें भी अनसर्टेनिटी दी गई है कैलकुलेट करना है एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए यानी एरिया भी विद अनसर्टेनिटी मालूम करना है तो जहन में तस्वीर लेकर कर आएँ कि इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट है उसकी ये साइड लेंथ है और ये साइड जो है इसकी विड्थ है दोनों अनसर्टेनिटीज़ के साथ हैं हमें एरिया मालूम करना है उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वथ तो गिवन हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं क्या है लेंथ विद अनसर्टेनिटी गिवन है और विथ्थ विद अनसर्टेनिटी गिवन है और फाइंड करना है हम लोगों ने एरिया विद अनसर्टेनिटी सोलूशन की तरफ आते हैं सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ फिर इसको अनसर्टेनिटीज़ के साथ लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू अब इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं जो हमें लेंथ और विथ्स की मालूम है उनको पुट इन कर दिया अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अनसर्टेनिटीज को क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पावर में ये डायरेक्टली ऐड या नहीं हो सकती ठीक है तो इनको पहले हम लोगों ने परसेंटेज कन्वर्ट करना है उसका तरीका क्या है कि अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल फिगर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट तो ये तो एज इट इज रही जो राइट साइड अनसर्टेनिटी थी दैट डिवाइडेड बाई एक्चुअल फिगर यानी पॉइंट जीरो टू डि वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट इसी तरह वेट्स वाले को भी हम लोगों ने करना है पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाई पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट जबकि मेन वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और अब इसको सॉल्व करेंगे पहले लेफ्ट साइड इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया पॉइंट जीरो टू डिवाइड बाई वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो वन पॉइंट थ्री थ्री आ गया अब इस वाले को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने से फाइव अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है अब देख लें मल्टीप्लाई का सवाल है इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है जो मेन वैल्यूज़ होती हैं उनको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का सवाल है लेकिन जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं आपको पता है इन एनी केस वो जो जो है आपस में प्लस हुआ करती हैं अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू प्लस माइनस वन प्लस फाइव अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम लोग आंसर ले आते हैं पॉइंट आ गया इसका आंसर प्लस माइनस एज इट इज़ रहा और वन पॉइंट प्लस फाइव कितना हो गया सिक्स अब इसको दोबारा हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें एरिया जो गिवन होना चाहिए वो स्क्वायर मीटर में आना चाहिए क्योंकि लेंस जो थी दोनों मीटर्स में थी तो कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में उसका तरीका क्या है सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाई हंड्रेड एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री तो इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पॉइंट थ्री प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर स्क्वेयर